शराब घोटाला। जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी तब सन 2017 में हमने अवैध शराब को रोकने की पॉलिसी बनाई। प्रदेश में शराब बिक्री को शासन के अधीन लाकर शराब की क्वालिटी नियंत्रित की। हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, शराब दुकानों को कम करते हुए प्रदेश में शराब बिक्री को धीरे धीरे शराबबंदी की ओर ले गए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारी इस अच्छी नीयत से बनाई गई नीति में भी अपने भ्रष्टाचार का बीज बो दिया। शासन के अधीन इन दुकानों को माफियाओं के हाथ छोड़ दिया, जिससे पूरे प्रदेश में अवैध शराब के काले कारोबार के रास्ते खुल गए। इनकी इस भ्रष्टाचारी नीयत का परिणाम यह हुआ कि भ्रष्ट अधिकारियों शराब माफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण मेरे शब्द नहीं बल्कि न्यायालय में 13,000 पन्नों की ईडी की रिपोर्ट में अंकित शब्द हैं। ऐसे राजनीतिक संरक्षण में सरकारी दुकानों से बिना होलोग्राम की 40% ऐसी अवैध शराब बेची गई, जिसका ना तो वेट भरा गया ना एक्साइज ड्यूटी। जब केंद्रीय एजेंसी ईडी ने इस घोटाले की जांच प्रारंभ की तो सामने आया कि राजनीतिक संरक्षण के प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला किया। ये घोटाला पूरी तरह सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री जी के खास अधिकारी शामिल थे बल्कि राजनीतिक व्यक्ति तक भी भ्रष्टाचार के पैसों के तार, ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से।